चूहे हमेशा ही अपनी अजीबो गरीब हरकतों नूं लैके सुर्खियां विच रहिंदे ने। ते इक वार फिर बिहार दे चूहे चर्चा दा विशा बने हुए ने, पर इस वार ना तां उन्हां ने शराब गटकी है ते ना ही लखां दे नोट एटीएम च वड़ के कुतरे ने। बिहार च कुछ भी हो सकदा है। जी हां, इस वार चूहियां ने ज्वैलरी शॉप च लखां दे हीरियां ते हथ साफ कीता। पर आखिर इस वारदात नूं चूहियां ने अंजाम किवें दिता, आओ दसदे आं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड से स्थित एक ज्वैलरी शॉप तो लखां दे हीरे गायब हो गए। दुकान के मालक नूं कर्मचारियों से शक होया। जदों कुछ पता ना लग्या तो पुलिस की मदद ली गई। पुलिस के सामने भी कर्मचारियों ने चोरी तो इनकार किया तो सीसीटीवी फुटेज वेखी गई। फिर जो सामने आया उसनूं वेख के तो हर कोई दंग रह गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हीरे चूहे ने चुराए ने। इस संबंधी जदों दुकान दे मालक नाल गलबात कीती गई तां उन्हां कहा कि उन्हां नूं इस चोरी दा जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि चोरी शिवरात्रि वाले दिन हुई है ते उन्हां नूं खुशी है कि माता पार्वती नूं उन्हां दी दुकान तो एनिवर्सरी गिफ्ट मिले। सर, वहां पे सामान डमी का रखे थे और एक जुड़ा वहीं पे रह गया था, बाकी डिफेंडर में हम लोग पैक कर देते हैं रात में सब बढ़ाने के समय में। और संयोग वर्ष जो है मॉर्निंग में मंडे को जमाए, शिवरात्रि का दिन था, सामान वहाँ पर नहीं पाया गया तो हमने पूरा ढूंढा, नहीं मिला तो मुझे गुस्सा हुआ स्टाफ लोग के ऊपर। तो हमने सीसीटीवी फुटेज हमारे स्टाफ लोगों ने देखा और बताया कि सर देखिए ऐसे ऐसे सामान जो है इस तरह से चूहा लेके गया है। तो हमने कहा भाई चलो जो छोड़ी नहीं है वो माता के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया उस चूहा के द्वारा। क्या कुछ सामान था और कितने का सामान था? 21,000 का सामान था, डायमंड का एक टॉर्च था, क्या कार्ड के साथ विथ सर्टिफिकेट। ये नहीं कि टॉर्च उठा के ले गया हो, दोनों चीज साथ में ले गया है। आप देखिए वो किस तरह से लेके जा रहा है। तो इसमें मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि वो चीज़ चोरी हो गया। हम इस पर समझते हैं कि ये बहुत बढ़िया चीज़ हुआ, हमारे शॉप को चुना गया गिफ्ट के लिए, माता का गिफ्ट के लिए। क्या कुछ नाम हुआ सर, कहाँ की घटना है ये? बोरिंग रोड में नवरत्न ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पहले। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, लोग भी बड़े मजे ले लेके इसनु देख रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाबी। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।